यू आर वॉचिंग आवाज टी वी वॉइस ऑफ कम्यूनिटी असल वरहल वर्क कैसे हैं आप सारे के सारे आज मैं बड़ी खूबसूरत आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ करवाना चाहती हूँ आई नहीं जिंदगी इतनी स्ट्रेस में है ना किसत मगर आई थॉट आई फाउंड दिस वर्ल एन आई रिक्वेस्ट हर के मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स अपने लिसनर से आपकी बात कराना चाहते हैं लेकिन इन किसी तारफ़ की मौत आज नहीं है सानिया सईद साथ साहिबा जिस गोद में परवरिश पाई वहाँ से आप सीखती भी जिस स्टेज के ऊपर हैं आज यहाँ पे हैं पाकिस्तान टेलीविजन और थिएटर के लिहाज से हर इंसान इनसे वाकफ भी है सनी जी आपको खुश आमदीद कहते हैं सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया सो काइंड ऑफ यू दैट यू एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट एंड यू आर हियर टुडे थैंक यू सनी जी मैं कोई लम्हा जाया किए बगैर uh, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बेहतरीन एक्टर्स हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है hmm. थोड़ा सा मुझे अपनी बताइएगा कि सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ uh, किसने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि हम इंसानिया सईद से, से मुलाकात कर सकें वो तो डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स हैं uh, मेरे वाले uh, मगर वो काफ़ी सारी चीज़ों का मुरकब है मेरा ये एक्सपीरियंस और यहाँ तक पहुँचने का सफर uh, एक तो मेरे घर में थिएटर होता था तो चाहे या ना चाहे मैं वहाँ बैठे अगर खेल भी रहे होते थे तो थिएटर पर तो कान में तो पड़ता रहता था कुछ कुछ और वो कोई आम भी थिएटर नहीं था कि बस गए ड्रामा करने का शौक था लोगों को तो वहाँ रिहर्सल हो रही थी ऐसा भी नहीं था आ, बहुत सियासी लोग थे वो बहुत सियासी कमिटमेंट के तहत थिएटर करते थे उनमें से किसी को भी एक्टर बनने का शौक़ नहीं था वो सब कोई मे, ज़्यादातर तो मेडिकल स्टूडेंट्स थे फिर प्रोफेसर्स थे कॉलेज़ के उसमें हिस्टोरियंस भी थे पब्लिशर्स थे जर्नलिस्ट थे बहुत तरह तरह के लोगों का वो एक ग्रुप था और जो खेल हम किया करते थे उनका उनके जो Uh, मौजूद थे वो भी सियासी थे और ये सब शदीद डेमोक्रेसी के हामी लोग थे बैक इन दटीज़ तो हमारे पूरा माहौल उस तरह का था तो कुछ चाहे ना चाहे कान में बचे और जो देख रहे थे वो सीख रहे थे देख ही रहे थे कि साथ मिल के काम करना सक्सेस uh, की एम्बिशन अकेले के लिए नहीं होना ग्रुप वर्क है टीम के लिए होना तो वो uh, बस वही सीखते सीखते बड़े हुए उसी में कभी बच्चों की ज़रूरत पड़ी तो हमें भी खड़ा कर दिया साथ स्टेज पे होते होते उसमें कुछ कहीं किसी खेल में बड़ा भी थोड़ा सा किरदार मिल गया ज़्यादा अहम बात ये थी कि उसमें इतने जयद लोग थे उस थिएटर ग्रुप में असलम अजहर साहब जिसको जिनको आ, पी टी वी का फाउंडर बाबा टी वी उनको प्यार से लोग कहते थे Uh, तो वो वो डायरेक्ट करते थे uh, uh, ये थिएटर्स ये थिएटर प्लेस सारे तो उनसे इनिशियली तो उनसे देखा सीखा फिर मेरे मामू हिंदुस्तान में स्ट्रीट थिएटर क्या करते थे उनके साथ कुछ काम किया उन्हीं का एक खेल कर रहे थे हम तो फहमीदा नसरीन ने हमें वो खेल करते हुए देख उनको पता चला कि स्ट्रीट थिएटर कोई चीज़ होती है और वहाँ हो रहा है कुम्हारवाड़ा में हो रहा है हम छोटी बस्तियों में छोटे इलाकों में क्या करते थे स्ट्रीट थिएटर तो उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चीज़ है आ, मैं अपनी टीम भेजूँ मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ तो उन्होंने जब रिकॉर्ड किया वो सर्कल में होता है सर्कल में एक कैमरे से उनको नहीं था अंदाज़ा कि वो इस तरह से परफॉर्म होता है तो जब उन्होंने देखा तो वो समझ में आया कि अच्छा ये तो अच्छा नहीं लग रहा कैमरे पर तुम लोग स्टूडियोज़ में आके शूट कर दो हमें पता नहीं था टी कैसे शूट होता है हमारे अब्बा ने कहा भी तुम लोग चले जाओ को हम हर चीज़ के लिए एक मीटिंग सी बैठती थी कंसेंसस से काम होता था तो हमने कभी क्या करें चले जाएं टेलीविज़न इज स्टेट मीडियम स्टेट की वॉइस है जानना चाहिए नहीं जाना चाहिए उन्होंने कहा नहीं आप, आप तो अपनी वॉइस लेके जा रहे हैं किसी का भी प्लेटफॉर्म आप अपनी वॉइस लेके जाएं तो हम पी टी वी पर चले गए बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा वो क्योंकि हम मैं उस वक्त शायद मेट्रिक में थी फर्स्ट ईयर में थी और नहीं मैट्रिक में थी और जो खेल हम पच्चीस मिनट में कर लिया करते थे उसमें तो तीन दिन लग गए हमें तो नहीं था, हमें नहीं अंदाज़ा था, था कैसे शुरू होता है टेलीविजन बहुत ख्वरी जिसको कहते हैं कराची की जबान में तो मैं बहुत खफा हुई मैंने कहा मैं कभी जाऊँगी टी वी पर आप ऐसे ही मशवरे दे देते हैं अब भेज दिया हमें टी वी पर इतना बोर हो गए अब मेरे प्रैक्टिकल थे केमिस्ट्री आ, की मैं ट्यूशन भी पढ़ती थी तो मैंने कहा पेपर्स हैं मेरे और मैं कि फल जर्नल बनाना है खैर खैबारा तो वो इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा लेकिन फिर कराची में ज़माने में बहुत तरह तरह का बहुत अच्छा बढ़िया थिएटर होता था बच्चों का थिएटर एक आ, इसी नाम से होता था बच्चों का थिएटर ड्रिप्स थिएटर के जर्मन कुछ प्लेस थे जो यासमिन इस्माइल अडेप्ट किया करती थी तो वो हम जाके पी -सी -सी में देखा करते थे तो जहाँ कुछ भी एक्टिविटी हो रही होती थी कोई समर स्कूल हो रहा है कोई म्यूज़िक क्लास हो रही है कोई डांस वर्कशॉप हो रही है हमारे मब्बा में ले जाते थे करें खुद ताकि हम खुद ढूंढें कि हमारा हमारा स्किल क्या है हमारा इंटरेस्ट क्या है हमें नहीं कभी बताया ये करना है ये खेलना है मेरा भाई क्रिकेट खेलता था क्रिकेट खेलता रहा सारी जिंदगी कहीं कोई कोचिंग कैंप लगे कुछ लगे मेरा भाई पहुंच जाएगा अब्बास चले जाएंगे अम्मी चली जाएंगी यू नो एलिक्यूशन होते थे ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होते थे मेरा ख्याल है खास कराची में ज़माने में जो भी कॉम्पटिशन हुआ अम्मी ने उसने मुझे एनरोल किया है हम और कोई जीतने हारने इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पार्टिसिपेशन का था कि आप देखें भाई कितना मज़े की चीज़ है सब मिलके ही कर रहे हैं आ, कितनी अच्छी नज्म उन्होंने पढ़ी आपको सबसे अच्छी नज्म कौन सी लगी हम जीत के भी आए जीत भी जाते थे मतलब सेकंड थर्ड इस तरह क्योंकि वो है तो उनके सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा था तो आ, मगर बाद में आके बात जीत की नहीं होती थी बात ये होती थी आपको आपको किसकी नज्म पसंद आई

मरीना एक कैरेक्टर करती थी उसमें और मरीना अवेलेबल नहीं थी वो यूके में अपना कोर्स कंप्लीट कर रही थी तो यास्मीन ने मुझे कहा भाई तुम थिएटर की लड़की हो तुम मुझे मना नहीं कर सकती तुम आके करो ये कैरेक्टर मैंने कहा टी वी का वो एक्सपीरियंस मैंने कहा नहीं, नहीं टी वी उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम मुझे मना नहीं कर सकती खैर हम पहुंच गए रिहर्सल की बहुत हेल्पफुल थी वो उनकी वजह से अच्छा एक्सपीरियंस था मगर टेलीविजन की रिकॉर्डिंग तब भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था बिकॉज थिएटर को टेलीविज़न पे करने के लिए तब हर चीज़ को मेमोराइज करना पड़ता था जी 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 अभी भी करना पड़ता है मतलब अगर सही से करना चाहें तो अभी भी करना पड़ता है तो आ, वो क्या टेलीविजन में आपको पता है ना कि वो आप मॉनिटर पे सब देख सकते थे जो शूट्स किसी भी स्टूडियो में जो शूट हो रही है वो आप देख सकते थे तो सायरा ने देखा मुझे सायरा का आजमीन उन्होंने देख के कहा इसके ये तो मंसूर साहब की बेटी है ना उनका हाँ मंसूर साहब की बेटी तो उन्होंने कहा इसके बाल जो है ना वो रुबीना जैसे इस शक्ल रुबीना जैसी है तो उन्होंने अपने सीरियल तपिश में मुझे रुबीना अशरफ की छोटी बहन कास्ट किया तो उनका छोटी सी है ये छोटा सा रोल है छोटी सी है तो उनका क्या करती हो मैंने कहा भाई मैं स्कूल जाती हूँ और ये तो रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लगता है तो उन्होंने कहा अबू को भी कास्ट करेंगे उन्होंने अबू को भी कास्ट किया हमारे फ़ादर के रोल में मैं रुबीना पा और एक हमारी बड़ी बहन और कैसर नकवी और कैसर निज़ामानी दिस वॉज द फैमिली उसमें सब की इतनी दोस्तियाँ आपस में हो गई उसमें फिर मुझे थोड़ा सा मजा आया और क्योंकि अब्बू भी थे सेट पे तो अगर मुझे गुस्सा आता भी था तो अबू ठंडा कर लेते थे और सब लोग इतने अच्छे थे इतने कॉम्पिटेंट एक्टर्स थे एक्सपीरियंसड एक्टर थे सिवाय मेरे और कैसर के उस पर तो बहुत मज़ा आया वो करने में फिर मज़ा आया फिर मैं वापस चली गई पढ़ाई वढ़ाई की फिर काफ़ी लंबा गैप आया आपकी इस बात से मुझे बेख्तियार सरा काजमी राहत काजमी वेरी टैलेंटेड पीपल कहाँ हैं अब जी <laughs> कराची में है काम नहीं करते राहत साहब तो पढ़ाते थे नापा में थिएटर पढ़ाते थे काफ़ी अरसे पढ़ाया आई थिंक अब कुछ तबीयत की वजह से भी टीडियस काम पढ़ाना, पढ़ाना, है पढ़ाना थिएटर पढ़ाना बहुत एनर्जी लगती है तो अभी कुछ शायद होपफुली ब्रेक लिया है उन्होंने लेकिन पढ़ाते सही <laughs> वालिद साहब ने आपकी तरबियत में हिस्सा लिया और कोई अपने वालिद साहब के साथ खूबसूरत सी याददाश्त को शेयर करें क्या कैसे उन्होंने क्योंकि एक बच्चा जब बड़ा होता है और उसमें यकीनन उसके वालदे की चीज़ें झलकती ज़रूर तो क्या इन्फ्लुएंस थी आपकी वालदा तो शी आज भी मेरा ख्याल है तालीम में पाकिस्तान की तालीम में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। कर हमें हैं ये बताइएगा और वालिद साहब की कोई याददाश्त हो तो, तो, तो शेयर करें अम्मी तो मेरी मॉन्टेसोरियन है चालीस पैंतालीस साल से अपना स्कूल है उनका पढ़ाती हैं आज भी पढ़ाती हैं छोटा अब छोटा हो गया है जितनी उनकी अब तबीयत इजाजत देती है लेकिन बस वही जिंदगी उनकी वो ना। उसके बगैर खुश नहीं रहती तो पढ़ाती हैं अभी और आ, वालिद साहब मेरे अब नहीं हैं लेकिन आ, आ, फिर भी हैं हमारे साथ ही रहते हैं उनका इतना ज़्यादा ज़िक्र होता है कि महसूस नहीं होता कि वो नहीं है अबू और अम्मी दोनों ही के साथ जो एक चीज़ मैंने देखी थी वो ये कि यूनिट जिसे कहते हैं ना टीम इतनी ज़बरदस्त टीम थी वो कि उन्होंने आ, हमारे लिए एक्सपेक्टेशन दूसरे इंसानों से उसका बार बड़ा रेज कर दिया सीधे साधे से लोग थे कोई हमारे पास पैसे वैसे तो थे नहीं कभी लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है और हमारे पास वो चीज़ नहीं थी मतलब आज भी नहीं है वो चीज़ है हमारे पास लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हुआ तवक्कल है मैं आपको और, तो इंसान की ख्वाहिशात तो है और इट्स वेरी गुड वेरी नाइस यू हैव एवरीथिंग इसमें कोई शक नहीं और ये आपकी बढ़तपन है आपकी बड़ाई है कि आप ये बात कह रही हैं अलहदुल्ल यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन वालदा के पास वाल के पास यू हैड एवरी थिंग ये आपकी बड़ाई है कि आप ये बात कह रही हैं एंड आई आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर ये मैं जिस एंगल से इन चीज़ों को देखती हूँ ना ये इंसान का तवक्ल और इनकसारी ना साहब आज के दिनों में तो वैसे ही झूठ की ज़िंदगी है आपके पास कुछ ना भी हो तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं ये इनकी सिर्फ बड़ाई है जो इन्होंने तो ये बात की आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू ओवर दैट वालिद साहब की नज़र में आप और आपके भाई अप टू हिज एक्सपेक्टेशन जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने अम्मी से पूछा मैंने कहा अम्मी हमसे खुश थे अबू क्या अम्मी में हाँ खुश थे क्योंकि कभी इजहार ऐसा कुछ नहीं करते थे ना खुश होने का कोई इजहार नहीं करते थे और बल्कि किसी ने कहा बड़ी अच्छी अदाकारी करती हैं बेटी आपकी ये तो जी जी अच्छे अच्छे मुनासिब करते हैं अच्छा काम मेहनत से काम करते हैं बस डेट्स इट कभी नहीं कहा कि तुम बहुत अरे वाह क्या अच्छा तुमने काम कर लिया वाह वाह बहुत अच्छी चीज़ लेकिन कभी जैसे मैं कहीं वॉल्टियर कर रही हूँ या मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जो हम एक स्कूल था लियारी में जैसे एक स्कूल था वहाँ वो स्ट्रीट स्कूल्स कहलाते थे उस ज़माने में बहुत सारे बच्चे जो लियारी में ख़ुद यूनिवर्सिटी पढ़ लेते थे या कॉलेज में पढ़ते थे तो वो कॉन्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट करते, करते थे, करते थे तो कम्युनिटी के स्कूल्स बना लिए थे उन्होंने तो हम भी कभी वहाँ जाके के वॉल्टियर करते थे और मैं बच्चों के ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी साथ ही बारडा संगत में वहाँ हम पढ़ाते थे या बच्चों को कोशिश करते थे क्योंकि समझ में आया कि स्कूल क्यों जाना ज़रूरी है उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे राइट्स बताते थे क्योंकि जब वो काम करने के लिए जाते थे तो मार पड़ती थी तो हम उनको समझाने की कोशिश करते थे कि काम करना मजबूरी हो सकती है लेकिन आपको मार नहीं सकता यू नो you know? तो इस तरह की चीज़ें चाइल्ड अब्यूज़ था बहुत बहुत कुछ था वो जब इस तरह के कुछ काम करती थी आ, किसी हॉस्पिटल में वॉल्टियर करना है Uh, बच्चों की किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉल्टियर करना है एनिमल्स uh, की किसी सर्विस में वॉल्टियर करना इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं ये बड़ा ये काम ये है तुम्हारा सही काम ये काम है तुम्हारा तो ये उनका, इस तरह उनका तो, इतना जबरदस्त थिएटर था दस्तक के नाम से आपने उसको क्यों नहीं कैरी ऑन किया दस्तक एक्चुअली uh, हम उसको छोटे थे जब वो <coughs> ख़त्म हुआ और वो इतनी बड़ी लेगेसी थी और वो इतना बड़ा जायंट था हम नहीं थे उसके अहल उसको कैरी करने के तो हमने उसका एक छोटा ग्रुप बनाया था जिसमें जिसके तहत हम स्ट्रीट थिएटर किया करते थे फिर वो भी डिस्पर्स हो गया क्योंकि सब वॉल्टियर्यर्स का ग्रुप था um, उसमें डॉक्टर्स थे जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं हॉस्पिटल्स और के हेड्स हैं और डीन्स हैं दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अस्पतालों के तो वो सब डिस्पर्स हो गए अपने अपने प्रोफेशनस में चले गए वाले साहब ने मेरे अपनी तरह कंटिन्यू किया वो किताबें वगैरह ट्रांसलेट करते रहे डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ट्रांसलेट की उन्होंने हमने फिर एक थिएटर ग्रुप बनाया कथा और उसमें हमारा हमारे प्लेस पॉलिटिकल तो थे ही लेकिन उसमें हमारा हमारी अप्रोच ये थी कि हम कम्युनिटी के साथ थिएटर करते थे तो हमने जब वर्किंग बच्चों के ऊपर प्ले किया तो मैं उसमें मैं सिर्फ एक ओपनिंग सीन में थी मगर वो पूरा प्ले वर्किंग बच्चों ने ही किया था लाइक वो ही एक्टर्स थे उन्हीं की कहानियाँ थी उन्होंने ही इम्प्रोवाइज किया था वो प्ले हमने कुरंगी में ही किया था सबसे पहले आ, फिर जब हमने ब्लाइंड और डेफ बच्चों के साथ काम किया तो एक्टर्स सब ब्लाइंड और डेफ बच्चे ख़ुद थे हमने बाद में टेलीविजन पे it दो इट ऑल पर हम सब और नौकरियाँ करते थे आ, और अपना वक्त शाम का डेडिकेट करते थे टू थिएटर बट हम उसको वॉल्टियर्स की तरह करते नहीं थे करते हम उसमें प्रोफेशनल्स की तरह थे बट यूनवर पेड फॉर इट इसीलिए जब प्रोफेशनल्स जरा ढीले पड़ते हैं तो हमें हमको जरा ज्यादा जहमत होती है क्योंकि सही, सही, आपने उसके बाद बहुत सारे जबरदस्त प्लेस आपने होस्टिंग भी की जी काफी बहुत एक्सपीरियंस रहा दिलचस्प बहुत दिलचस्प मुझे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता था वैसे भी तो एक दो तो डिस्कशन के प्रोग्राम्स थे जो बहुत संजीदा प्रोग्राम्स थे मैं यूनिवर्सिटी में थी उस वक्त तो फरखंदा शाहीन इस्लामाबाद टेलीविजन की बड़ी सीनियर प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा भाई हमारी ये बच्ची है ये करेगी वो दोनों टॉक शोज़ तो मुझे मैं वीकेंड फ्राइडे की क्लास लेके मैं सैटरडे की क्लास लेके मैं शाम वाली फ्लाइट पकड़ती थी शाम एक शो रिकॉर्ड करती थी संडे मॉर्निंग एक शो रिकॉर्ड करती थी संडे की शाम फ्लाइट पकड़ के वापस कराची आती थी मंडे की सुबह फिर यूनिवर्सिटी जाती थी और बहुत साल मैंने कॉलेज में सुबह घर से निकलती थी दो बसें बदल के मुझे जाना पड़ता था एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन था वहाँ से मैं मॉर्निंग की ट्रांसमिशन करती थी वहाँ से दो बसें बदल के कॉलेज जाती थी तो बहुत साल मैंने ऐसे भी किया है तो हाँ काम काम बहुत किया तो याद तो आपकी यानी जिसमें आपने काम किया हो और आ, यानी इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता अनएक्सपेक्टेड कोई वाक्य गुजारा रेडियो <coughs> टेलीविजन में लोग आपको देखते थे जानते थे आप उनकी अपनी थी अच्छा मेरे साथ ऐसे अन... अपने साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा बहुत कम हुआ लेकिन शोज़ में बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती थी ऑब्वियसली जैसे एक हम हवा के नाम कर रहे थे या शायद के सहर होने को है कर रहे थे उसमें मौवी साहब भी थे रिलीजस एस्पेक्ट के लिए एक, एक मौलवी साहब भी होते थे स्कॉलर रिलीजस स्कॉलर तो वो किसी बात पे इतना खफा हो गए और कुछ पता नहीं क्या वजह है हमारे लोगों में ज़रा टॉलरेंस की कमी हो गई है स्पेशली पूरी बात सुनते भी नहीं हैं और हम रिएक्ट करने की ज़रा और ये मैं टिकटॉक और इंस्टा और इन सब सोशल मीडिया से बहुत पहले की बात कर रही हूँ और मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में थी और बहुत बुजुर्ग आदमी थे वो इतने खफा हो गए और उन्होंने उनको बात समझ में भी नहीं आ रही थी मतलब जो खातून ने बात कही वो उनको समझ में भी नहीं आया वो बिल्कुल दूसरे टेंडेंट पर चल पड़े और ऊँचा ऊँचा बोलना शुरू कर दिया और चिखना शुरू कर दिया और मैं मैं बार बार कैमरे को देख रही थी और मैं फर्खंदा से कह थी कि क्या करूँ मतलब एक बुज़ुर्ग आदमी को मैं कैसे कैसे रोकूँ इनको बीच में ये तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल और ना मुनासिब गुफ्तगु खातून को कुछ कहना या सबको कुछ कहना आप लोग ये हैं फलाने हैं अब अब मैं कह रही हूँ रोकू कैसे फिर आई फिर टेप रोक के नीचे उनको काम डाउन किया उनको वी हैड टू है प्रोग्राम बिकॉज उस वक्त पी टी वी को आप चाहे जो भी कहें कि वो यू नो you know, कितना भी स्टेट प्लेटफॉर्म होल्ड लेकिन ये तहजीब के दायरे के अंदर फिर, फिर माँ के साथ बहुत माँ जब मैं कर रही थी प्रोग्राम उसमें तो बहुत वाकत थे आई इंटरव्यू नाइनटी नाइन माँ समझिए पाकिस्तान का पहला रोड शो था uh -huh. आ, हम ट्रैवल करते थे बाय रोड और हम हमारे पास मुख्तलिफ़ ख़तूत थे जिनको हम सॉर्ट करते थे लोग हमें अपनी कहानियाँ लिखते थे हमने पहले उन्हें अखबार में इश्हार दे के इन्वाट किया था कि आप हमें बताएं अगर आपके एड्ड कुछ एक्सेप्शनल माएँ हैं जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल काम किए हैं बोरियाँ भर भर के उस वक्त खत आते थे उनको हम सॉर्ट करते थे और उनमें फिर हम एक रूट बनाते थे उस रूट को फॉलो करते हुए इन सब खुतिन के इंटरव्यूज़ करते हुए हम पूरा ट्रिप बना के फिर वापस आते थे और स्टूडियो में हमारा एक सेगमेंट था जिसमें सेलिब्रिटीज होते थे एंड वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट अब मदर्स तो ये जो ख़ीन हमें मिलती थी जो हम आ, और ये पहली दफा हो रहा था कि टेलीविजन पे खुतन के बारे में बहुत बात होती थी एक्सपर्ट बात करता था लॉयर बात करता था लॉ मेकर्स बात करता खुद बात नहीं, नहीं करती थी और आप उनको अपने इन्वायरमेंट में नहीं देखते थे तो जब आप उस गली मोहल्ले से गुजर के जा रहे हैं बस आपको नज़र आ रही है जिस जगह वो रहती है जब वो अपनी बात करती है वो आपको अपना मसला बताती है आपको अपना प्रॉब्लम बताती है और फिर आप उसमें देखते हैं कि ना उसके पास एजुकेशन है ना स्किल है ना फैसले करने की एजेंसी है न्यूट्रिशन भी नहीं है और व, आ, बेवा भी हो गई है या शोहर छोड़ के चला गया है या अब यूज़र है उसके अंदर रहकर उसने अपने चार लड़कों को आ, कॉलेज की तालीम दिलवाकर अब वो कहती है कि अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई मेरा मेरे बच्चे पढ़ गए पढ़ लिख गए ये मेरा टारगेट था मैंने मारे भी खाई मैंने फलाना भी किया मैंने नौकरियाँ भी की मगर मैंने ये अचीव किया किसी के बच्चे बीमार थे उनका इलाज करना था या नहीं हो सकता था पोलियो जैसे बहुत कॉमन है तो बहुत सारे हमने पोलियो टी के हमने केसेस किए जहाँ पे द मदर्स एर कम्प्लीटली डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू द चिल्ड्रन एंड डेवलप्ड देम एंड हेल्प्ड देम एंड You know, उनको पढ़ाने में वोकेशनल ट्रेनिंग में एक्सेप्शनल वीमेन एक्सेप्शनल वीमेन विदाउट एंड वर क्रिएटिंग मैजिक आउट ऑफ़ नथिंग एंड इट वॉज मैजिकल इट वॉज मैजिकल जब हम जब हम मैं उनसे बात करती थी, थी मैं कहती अच्छा मैं अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ बड़ी एजुकेशन है मेरे पास बट दैट विजडम दैट लाइफ गिव्स यू दैट एक्सपीरियंस दैट स्ट्रगल दैट फाइट टू बी बस उसको और कुछ नहीं चाहिए कहती है मैं डिग्निटी से जीना चाहती हूँ मैं नहीं जी सकी मेरे बच्चे डिग्निटी से जिए यू नो तो वो इतने वो पूरा वो पूरी सीरीज मेरे लिए एक्सेप्शनल थी फिर जब सेलिब्रिटीज आते थे और इसमें एक माओ में मैं आपको बताऊँ ऐसे केसेस भी थे हम जो खैबर पख्तनख्वा के इलाके में जाते थे तो पूरा पाकिस्तान ट्रैवल जी पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया हमने रोड और मौसम मौसम भी देखते हुए गए आपको पता है कराची पाकिस्तान में, में ट्रैवल करना आसान नहीं है रहने की जगह नहीं है हम गाड़ी में सो जाते थे बस दफ़ा छोटे से क्रू के साथ काम करते थे सामान भी खुद उठा लेते थे कभी गाड़ी जा ही नहीं सकती थी उस जगह क्योंकि वो इतनी स्टीप पहाड़ी पर रहती है वो औरत बस एक पतला सा ऐसा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है सीमेंट का उस पर से आपको चढ़ के जाना होता था और हम साथ शहरों के भी इंट्रोस करते जाते थे जिन शहरों में वो रहती थी Uh, हमने हमें ऐसी खवतानी भी मिली जो छुप छुपी हुई थी थीं उनके चेहरे छुपाने पड़े क्योंकि उनको उनके देवर ने गोली मार दी थी ओवर uh, कोई जायदाद का इशू और वो अपनी बच, अपने बच्चों को लेकर भागी थी वहाँ से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी और उनकी टांग में क्योंकि वो गोली रही काफ़ी अर्से वो ख़राब हो गई वो एम्पूटेट करनी पड़ी तो उस एम्प्यूटेशन के बाद जो का जो स्ट्रगल है जहाँ वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती अपना नाम भी नहीं बता सकती उन्होंने किस तरह अपने बच्चों को पाला एजुकेट किया बेटी को पढ़ाया कि मेरे बाद तो इसका क्या एक्सपीरियंस किया आपने जो हमारे जो हमारे सिस्टम के अंदर एक नैरेटिव है ना खातिन का कि वो वाई बिचारी होंगी जरूर ऐसी भी होंगी बा, नहीं मुकाबला कर सकते बिल्कुल होंगी मगर जो दुनिया को अपने एक्सेस पर घुमाती है ना वो औरतें वो ये औरतें बड़ी सही आपने बात की और और अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिले आप सोचें अगर उस 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 डेडिकेशन की औरत के पास एजुकेशन और स्किल होती तो वो पैंतीस चालीस पचास साल की उम्र में ना मरती वो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारती वो बेहतर एजुकेट करती अपने बच्चों को वो बेहतर अपने आप को अपने ऊपर एक्सपीरियंस इन, इन 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 ट्रैवलिंग इन ट्रैवलिंग इन बहुत सारे बहुत सारे बड़े एक्सपीरियंस एक लड़की है शाजिया अभी भी है वो रहीम यार खान में कभी कभी मुझे मैसेज भी करती है हम रहीम यार खान पहुंचे तो हमें ये मिली लड़की आ, ये जब इसकी शादी होके आई छोटी सी थी शादी होके आई बच्चे बच्चे हो गए लेकिन इसको लगा कि यार ये तो काफी नहीं है इनकम काफी नहीं है हमारी तो हम किस तरह करेंगे गुजारा और हमारा बच्चा कैसे ही रहेगा सो शी स्पोक टू हर हस्बैंड और हस्बैंड उसका सी दैट्स व्हाट हैपन्स हम आपस में बातचीत नहीं करते ना उसकी मियाँ ने कहा हाँ अच्छा बताओ उसको उम्मीद नहीं थी कि उसका मियाँ ऐसे कहेगा उसकी मियाँ ने कहा अच्छा बताओ फिर क्या कर सकते हैं उसने कहा मैं सिलाई कढ़ाई सीखी दिया मैंने तो मैं यहाँ स्कूल खोल लेती उसने कहा खोल लो उसने उसको स्कूल खुलवा दिया, खुल दिया घर के अंदर ही फिर उसने कहा यार ये जो सामान लेकर लाना ले जाना है तुम अपनी नौकरी के अलावा ये करते हो तो ये बहुत मुश्किल होती है तो वक्त पे नहीं पहुंचता तो वो नाराज होता है जिस जो जो ऑर्डर देता है आ, और वो ये करती थी उसने सिलाई कढ़ाई सिखाई लड़कियों को फिर वहां से ऑर्डर्स लेके चीजें बनानी शुरू कर दी so, मियाँ को फुल टाइम उसने हायर कर दिया नहीं मियाँ ने कहा कि अच्छा तो फिर इसका क्या करें उसने कहा मैं खुद चली जाती हूँ उसने कहा अच्छा तुम चली जाओ वो जाके देने लगी उसने कहा ये तो बहुत दूर है ये तो लंबा सफर है बसें बदल के जाओ फलाना करो और हाथ में सामान भी होता है तो उसने कहा फिर क्या उसने कहा मुझे अपनी मोटरसाइकिल चलानी सिखा दो उसने कहा सीख लो उसने उसको मोटरसाइकिल चलानी सिखा दी अब वो रोज सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती है हेलमेट पहनती है पत्नी सी है छोटी सी अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ती है और सबने कहा तुम्हारे से दो बच्चे सिर्फ दो बच्चे उसने कहा बहुत है बहुत है पढ़े लिखेंगे अच्छे इंसान बनेंगे दो बहुत हैं

बेशुमारतें तिले का काम और ये मुकेश का काम गोटे का काम खातन मोती का काम और बड़ी टैलेंटेड हैं बाहर निकलती हैं अपना सामान बेचती भी हैं अच्छा अब आप आ गई आपने ये वाले प्रोग्राम्स किए बहुत से बार ऐसे होता है कि आप नॉन फिगर हैं जब आप बाहर निकलती हैं तो कितनी मुश्किल दरपेश आती है ज़ाहिर जो लोग आपको पसंद करते हैं चाहते हैं जब उनको आप नजर आती हैं तो सड़कें ब्लॉक करते हैं <laughs> मैंने छह साल यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा है हाँ. और मैं मतलब काफी मशहूर थी उस पर हाँ. कभी भी ऐसा नहीं हुआ मैं झूठे मुंह भी नहीं कह सकती कि हुआ और मैं अपने सब काम खुद करती हूँ मैं अपने घर की सफाइयों से लेकर खाने पकानों से लेकर ग्रोसरी करने से लेके ड्राइवर होने से ले अपनी गाड़ी भी मैं खुद चलाती हूँ अपनी लॉन्ड्री भी मैं खुद करती हूँ वहाँ जाके तो आप स्टक हो जाती होंगी ट्रैफिक तो अक्सर ब्लॉक रहती होगी हाँ

ऐसे ऐसे करके ना खटखटाया शीशा तो मैंने कहा कराची में कोई ऐसे कर दे आपको ये क्या हो गया कोई मोबाइल छीने का बहुत प्यार से मुझे मैं, मुझे बड़ा लाड प्यार ऐसे ही रखे लाड बहुत लाड और बहुत प्यार और इज्जत एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक क्या हुआ था मेरे साथ एक हम प्ले कर रहे थे उसका बेचारे का नाम मैं भूल जाती हूँ ए आई वाई पे आया था वो और उसमें ये लड़की है जो दो बहनें हैं मैं बड़ी बहन हूँ वो पी कर रही है अपनी और वो बहुत बहुत संजीदा है क्योंकि माँ बाप बचपन में गुजर गए थे और आ, उनको शक है कि ये जायदाद का चक्कर है और वो उसी घर में रहते हैं जहाँ चची उनकी बहुत नहीं है अच्छी ख़ातू और ये लड़की बहुत आ, अना वाली है लाइक वो कहती है कि वो अपना काम करती है अपनी बहन का अपना खर्चा ख़ुद उठाती है चचा के ऊपर कोई बोझ नहीं डालती और बाद में जब एक आदमी उसको कहता भी है उसका कज़न शादी करने के लिए तो कहती है अगर तुम्हारी माँ नहीं अग्री करेगी तो मैं क्यों करूँ तुमसे शादी मतलब मैं या तो हमारा कोई ताल्लुक ना हो तुम्हारी माँ से लेकिन ऐसा तो नहीं है तो, नहीं। तो अगर वो अग्री नहीं करेंगी तो और वो मोहब्बत भी करती है उससे मगर उसको रिजेक्ट कर देती है कि नहीं इस तरह नहीं होगी शादी अब जो भी और वो अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करती है और बाद में जब बहुत खफगी हो जाती है तो हॉस्टल में जा रहती है जहाँ एक टेरर अटैक हो जाता है एंड ऑल दैट तो आ, हम मैं कपड़ों की दुकान में मैं, मैं और मैं अम्मी थे तो कपड़ों की दुकान में अम्मी के लिए कपड़े ले रहे थे हम तो मैं कपड़े देख रही हुई तो एक खातून चादर पहनी हुई है और दो यंग लड़कियाँ बिल्कुल वो भी शॉपिंग कर रही थी और कुछ पुसक पुसक कर रही है तो अगर वो कभी ऐसा होता भी है तो मैं कहती हूँ ठीक है वो देख रहे हैं उनको एक्साइटमेंट हो रही है उनको अपना काम करने दो तो मैं अपना काम करती रही थोड़ी देर के बाद वो खातून मेरे पास आई कहने लगी मैं बहुत मास्टर जाती हूँ मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूँगी मैंने कहा नहीं कही जरूर कही कहेंगे आपका वो प्ले आ रहा है मैंने कहा जी कह रहे हैं मेरी दोनों बेटियाँ हैं मैं इनको वो प्ले जरूर दिखाती हूँ मैं उनसे कहती हूँ देखो इतनी अना हर लड़की में होनी चाहिए इतनी अप, सेल्फ रिस्पेक्ट हर लड़की में होनी चाहिए सनी जी माजरत के साथ सेविंग फेसेस फिल्म में जो करैक्टर ये ख़ातून जिसके चेहरे के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था मुल्तान से इसका ताल्लुक़ था और ये बुरका पहनती थी, थी जो वहाँ का कल्चर है सेविंग फेसेस में अपीयर होने के लिए इस औरत ने अपना बुरका उतारा इसके साथ प्रॉमिस किया गया था Uh, यानी वो बात है ना इंटरनेशनली रेनाउंड लोगों की तरफ से कि हम तुम्हारी सर्जरी फेस की करवाएंगे पैसा देने का प्रॉमिस किया गया था शी केम टू अमेरिका कपल ऑफ टाइम्स एन जी ओज इन्वॉल्व हुई थी बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बीबीसी ने कवर किया था कि शी वॉज नेवर पेड एनी पैनी उसके साथ जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं हालांकि उस फिल्म ने इंटरनेशनल पजीरा हासिल की था. ये जो एन जी ओज काम करती हैं हमारी खीन बहुत टैलेंटेड हैं हमारे मर्द मोस्ट ऑफ़ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान मेरे अपने शौर उसी मुआरे से थे दे गिव रिस्पेक्ट औरत को एक मुकाम देते भी हैं देर आर सम बैड पीपल दे मस्ट बी पनिश्ड तो ये जो एन जी ओज हैं ये बाजू एक रिफ्ट क्रिएट करने का बायस बनती हैं हजबेंड वाइफ में डू यू बिलीव इन इट और नॉट नो आई आई श्योर केस टू केस शायद कुछ फ़र्क पड़ता हो लेकिन किसी का ये अजेंडा तो शायद नहीं हो सकता एंड आई डोंट नो व्हाट एन जी ओज यू आर टोकिंग बिकॉज मैं बहुत सारी एन को जानती हूँ जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट लेजिसटिव काम किया है अच्छा जिनकी वजह से इस वक्त आप पाकिस्तान में ख़वान के अगर हासिल नहीं है तो कम से कम ऑन पेपर ज़रूर हैं बिल्स हैं असम्बलीज में आ, जिस पे डिस्कशन हो रहा है या होता रहा है या आ, होता रहेगा जब तक आ, उनको लॉ की शक्ल नहीं दी जाती आ, तो कुछ और इस वक्त अगर आप सच में देखें आ, ये और ये रिसेंट डेवलप है पिछले 20 22 बाईस पच्चीस साल की आ, मैं समझती हूँ कि दो बहुत तीन अब बहुत कंसिस्टेंट लड़ाइयाँ हैं जो ओवर द इयर्स उसमें सबसे पहले सबसे लंबी सबसे कंसिस्टेंट सबसे अपनी तमाम तर कमियों और खामियों और आ, आ, तवालत के बावजूद सबसे कंसिस्टेंट लड़ाई है ख़वान की अपनी राइट्स की लड़ाई जो चाहे वो वैफ है चाहे वो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बहुत तवील लड़ाई इस बात के लिए लड़ी कि खातान को जो उनके जायज़ जो उनके हुकूक़ हैं ऑलरेडी कवानी में मौजूद वो तो मिले और उसके लिए लड़ी चाहे वो वकला थी चाहे वो डॉक्टर्स थी चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट थी और आज भी लड़ती हैं दूसरी अब जो एक नई और ओवर इयर्स जो एक लड़ाई है वो है एजुकेशन की आप देखेंगे बहुत सारी एन हैं सब नहीं जो अच्छे बुरे जैसे हर जगह होंगे अच्छे बुरे Uh, लोग भी होंगे ऑर्गनाइजेशनस भी होंगी रवैये भी होंगे उनके एजेंडाज़ भी होंगे ज़रूर होंगे लेकिन एक बहुत कंसिस्टेंट लड़ाई एजुकेशन के लिए पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ी uh, बड़े बड़े नेटवर्क्स लाइक द टी या कराची में जहाँ मैं वॉल्टियर करती हूँ किरण फाउंडेशन लियारी में अब हम अपना तीसरा कैंपस uh, uh, बना रहे हैं इन कराची uh, और ये कराची बेस्ड है uh, बलूचिस्तान में बहुत काम किया इन्होंने सैलाब के दौरान और तीसरी है हेल्थ और ये मैं सिर्फ अपनी बता रही हूँ जो मेरे एक्सेस में पंजाब में और के पी में और और जगह में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है और, 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 और तीसरी है हेल्थ हेल्थ के लिए इस वक्त जितना पब्लिक कैंपेनिंग और पब्लिक फंडिंग हो रही है कभी हिस्ट्री में नहीं हुई जब एजुकेशन नहीं मिली लोगों ने कहा यार इनको छोड़ो ये तो करेंगे नहीं अपने हाथ में ले ली कोई नतीजे ये, ये कोई हल नहीं है और ये कोई परमानेंट हल भी नहीं है बट दे टुक दैट स्टेप बिकॉज इट वॉज नॉट हैपनिंग सो दे टुक दैट स्टेप और आप उसके बड़े अच्छे नतज आगे आने वक्तों में इनशाला आप देखेंगे ज़ाहिर जब एजुकेशन सिस्टम में आप कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं बीस बाईस चौबीस तीस साल का प्रोसेस है वो जिसमें आप पहला बैच देखेंगे लोगों का निकलता हुआ तो ये तीन चीज़ें हैं ऐसी जो मैं आप समझती हूँ कि सबसे कंसिस्टेंट लड़ाइयाँ रही हैं पाकिस्तान में तो अगर कोई अगर आपको मुझे नहीं पता क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा लेकिन जिस वजह से अगर आपको लगता है कि घर टूट रहे हैं या तलाकें हो रही हैं उसमें बहुत सारे केसेस अब्यूज़ के हैं तो क्या अब्यूज़ हो रहा हो घर में मार पड़ रही हो बेजती हो रही हो आपकी कोई हैसियत ना हो आपको जलाया मारा जा रहा हो धमकी दी जा रही हो आपके बच्चे छीने जा रहे हो तो रहना चाहिए उन शादियों में वो शादियाँ शादियाँ होती हैं Uh, अगर, अगर आपको... पाकिस्तान की लड़कियाँ बड़ी बोल्ड हैं मैं ज़ाती तौर पर मेरा बेटा यहाँ पर पैदा हुआ है आ, मेरे अपने एक नेफ्यू हैं जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं बल्कि वो एग्ज़ाम्पल दिया करता है कि आई डोंट नो व्हाट स्टोरीज डू आई रीड मैं मेडिकल कॉलेज में ही विद प्रोफेसर कपल ऑफ टाइम्स एंड ही स्टेड देयर बल्कि प्रोफेसर साहब को बड़ा गु़स्सा था इज़ माई नेफ्यू कि ये नौकरों के साथ और जमादारों के साथ दोस्ती करके फेसबुक पे उनको लिंक देता फिरता है इन कैनेडा वी आर ऑल इक्वल यू नो वी वी डील दिस पे तो कहता था मैं ज़्यादा उन क्लासेस में मेडिकल स्कूल्स को जो उसने विज़िट किया उसने देखा कि ज़्यादा तादाद लड़कियों की है लड़के कम है और बेचारे पीछे छुप छुप के बैठे हुए हैं तो गर्ल्स आर बोल्ड उंगफॉर्मिंग अर्बन सेंटर्स में भी एंड ऑल्सो कि जब वो uh, सिर्फ उनका तालीम हासिल करके निकलना काफ़ी नहीं है न mm -hmm. एक तो वर्क इन्वायरमेंट उनके लिए फिजबल बनाना साजगार बनाना सेफ बनाना ज़रूरी है दूसरे फैमिली का एटीट्यूड चेंज करना uh, लड़कों का अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्किंग वन चेंज करना uh, भी बहुत जरूरी है ना कि अगर वो डॉक्टर है उसके वर्किंग आवर्स हैं वो एक एक प्रोफेशनल है तो आप उसको उस कैटेगरी में ना एक्सेप्ट करें और कहें कि अच्छा ये सिर्फ डॉक्टर तो तो ना रखें। है उसको। और फिर वो घर भी संभाले रोटी भी कितनी लड़कियां सिर्फ इसलिए कुछ अपनी वजह से भी छोड़ती होंगी उनके अपने एम्बिशन होंगे हो सकता है वो होम मेकर ही बनना चाहती हूँ उनसे दरख्वास्त है कि सीटें ज़ाया ना करें इफ दिन इज नॉट टू बी अ डॉक्टर लेकिन वो लड़कियां जिनका एम्बिशन है डॉक्टर बनना इट बिकम्स द द ऑफ फैमिली कि आप उसकी एजुकेशन को ज़ाया तो मत करें mm -hmm. जो लोग जिन लोगों का वो इलाज नहीं कर सकी जिनका शायद वो इलाज कर सकती एंड इफ दे आर अनहेल्थी और इफ दे डाई एंड इफ दे आर इल दैट्स ऑन यू यू डेंट हर गो आउट टू वर्क और जब भी कोई इंसान काम करने के लिए जाता है चाहे वो आ, जब मर्द काम करने के लिए जाता है एक पूरा यूनिट है पीछे जो उसे सपोर्ट करता है पाकिस्तान टेलीविजन के जितने ड्रामे हैं और उसमें सास और बहू के मामला कोई ज्यादा उजागर किया जाता है आप लोग बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हाँ जी बिल्कुल बहुत बकवास नारेटिव है यह आपने कभी स्टैंड लिया हाँ जी मैंने नहीं सास बहू टाइप ड्रामे नहीं मिलेंगे आपको मगर आपके प्रोड्यूसर्स को क्यों असर नहीं होता है इसलिए कि वो बिजनेसमैन है वो नंबर्स देखते हैं मैं एज एन आर्टिस्ट ही स्टैंड ले सकती हूं कि अच्छा जी मैं अभी अभी भी जो सीरियल कल स्टार्ट हुआ है इट्स अ हॉरर सीरियल उसमें बहू है मेरी और उसमें सास बहू की नोकझोंक भी है लेकिन उसमें सास बहू की बड़ी मोहब्बत भी है एंड अंदर रियल क्वेश्चन इज नॉट सास बहू द क्वेश्चन इज वट एवर हैपनिंग इन द हाउस इट्स अ हॉन्टेड हाउस

सोसाइटी uh, में कल्चर में ये बात मतलब दो लोगों को लड़ा तो लेना जी और सबसे आसान नैरेटिव है ना हुँ, 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 ये सबसे आसान नैरेटिव चलिए आइए और बहुत टीआरपी मिलती है जिसका मतलब है कि आप लोग सब इंक्लूडिंग यूट्यूब व्यूअर्स ये ये कंटेंट ज्यादा देखते हैं आप उनको बहुत अच्छा कोई ऐसा uh, इंटेलिजेंट प्ले उसकी कभी इतनी नहीं होती है जितनी इन प्लेस याद अशफाक अहमद के, के ड्रामे हुआ करते थे और वो सब्जेक्ट कैरी करते करते थे थे देखने वाले कम हुआ करते होते थे। uh, की इस गिरावट में हमारे लिखारियों का बड़ा रोल है हमारे प्रोड्यूसर्स का बड़ा रोल है और पाकिस्तान uh, के जितने टेलीविजन के चैनल्स दो चारंगेट डायरेक्शन लास्ट बात आप ट्रेवल करती <laughs> है अपने क्रू के साथ मुख्तलि प्लेस के हवाले से कोई एक अच्छी सी याद जिसमें हमारे चेहरों पे हंसी भी आ जाए और कोई प्यारी सी मेमोरी हमारे साथ शेयर करे बिहाइंड <laughs> <Behind the laughs> <scene, laughs> हाँ ज़रूर हम संगे माँ करने के लिए गए मानसहरा में और बहुत बड़ा सा क्रू है हमारा और आ, बहुत एक्टर्स बहुत हैं संगे माँ में आ, तो हम मानसहरा के गांव में वहीं का गेस्ट हाउस था बल्कि एक बंगला सा था उसको हमने वहाँ मस्कन बनाया अपना सबके अपने अपने कमरे थे वो एक कॉमन रूम था जहाँ बैठ के सब इकट्ठे खाना खाते थे बहुत मजा आता था और सबकी दोस्तियाँ थी आपस में बहुत पुराने दोस्त हैं बहुत लाइक बीस बीस साल बैस बैस साल पुराने दोस्त तो वो इट like बिल्लियों के साथ ट्रैवल करती हूँ तो मैं, मैं अब पाँच है उस वक्त उस वक्त तीन थी तो मैं कराची से अपनी बिल्लियों के साथ वहां पहुंची तो वो मेरे कमरे में ही रहती थी और पूरा यूनिट उनका ख्याल रखता सब था बिल्ली की तस्वीरें बिल्लियों की तस्वीरें मैं दिखाती नहीं मुझे बहुत तो वो मैं तो दिखा हम सबको दिखाना चाहते अकेले, उसका अकेले दिखा 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 बहुत बड़ा बहुत एक्टर्स है वहाँ उस आखिरी सीन में वो जिरगे का सीन है तो हम बैठे धूप सेक रहे धूप निकली हुई थी उस दिन से तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा चलता हुआ आया और मेरी मैंने टांगें ऐसे नहीं थी ऐसे करके बैठी थी तो वो टांग पर चढ़ के वो आके मेरे कंधे पर बैठ गया तो सब ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि मतलब इतने दो सौ लोग हैं यहाँ ये आपके ऊपर ही क्यों आके बैठ गया सब काफी देर सब उसके साथ खेलते रहे फिर हमने बाद में उसकी <laughs> सैफ जो डायरेक्टर है हमारा वो मेरी गोद में था मुझक कह रहे चल चलो, चलो तुम्हारा तुम तुम्हारा शॉट कर रहे हैं मैंने कहा अच्छा अच्छा मैंने कहा इसका क्या करूँ कह रहे मुझे दो यार उसने पकड़ा उस शॉल में पकड़े खड़ा रहा सीन करवाया उसने मेरा ने ये लो पकड़ो यार ये तुम क्या आप है ये अलग सीन लग... बड़ा वायरल हुआ टोरंटो में यहां पे एक एक इमाम थे, वो पढ़ा रहे थे जिनके कंधों के ऊपर वो मेरे साथ घर ही फिर आए क्यूकी उनकी वालदा हमें नहीं मिली हमने बड़ी देर तलाश किया फिर पता चला ये स्कूल के बच्चों की शरारत थी उन्होंने सारे बच्चे उठा के कहीं गई होगी खाना लेने बच्चे उठा के यहाँ मां अलग अलग बिखेर दिए अब ये आप देखें कि ये बच्चे हैं आप देख रहे अगर वो उनमें से कोई एक बच्चा माँ से जुदा हो जाए अकेला हो कहीं इट्स नॉट फनी ये हमारे बच्चे हैं इन्हें कैसे और बच्चे सबसे सेंसिटिव होते हैं उन्हें कैसे नहीं है इस बात का ऐसा हाउ इज दिस फनी इवन फॉर चिल्ड्रन बहरहाल वो काफी देर हम इस पे बहस करते रहे अब वो भी आपकी अब खेप में है वो फिर मेरे साथ कराची चले आए उनको अब वो हमेशाते रहते माशाल्लाह और फिर एक हमारे बंदिश के सेट से आ गए सो यूं हम पांच हो गए अच्छा बंदिश के सेट से भी वो बिल्ली का बच्चा आप ही के पास आया जी मेरे ही पास इट्स अ ब्लेसिंग अगर आप इसको देखें यानी इसका मकसद है कि आपसे जो वाइब्स मिलती हैं और हर इंसान के गिरद एक हाला होता जरूर है उस जानवर को भी जो आपके पास से वाइब्स मिली वो अच्छी वाइब्स थी, थी बहुत अच्छी वाइब्स थी बहुत शुक्रिया कोई और पैगाम हमारे लिसनर्स के लिए आप देना चाहें हमने आपको बहुत सारा टाइम ले लिया नहीं पैगाम वगैरह देने का काम मैं नहीं करना चाहती बस सिर्फ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा तहमुल पैदा करें अपने अंदर थोड़ा सा किसी बात को रिएक्ट करने की इतनी जल्दी में ना रहें टेक योर टाइम प्रोसेस इट एंड अगर आप अभी जवाब लिखें और पांच मिनट बाद सात मिनट बाद जवाब लिखें यू विल सी उन दोनों जवाबों में फर्क होगा ट्राई इट नीजक रिएक्शन पे इट डजेंट हेल्प इट डजेंट हेल्प यू सिर्फ ये गुस्सा नफरत स्प्यू करते रहना डजेंट हेल्प एनीबडी एंड डेफिनेटली नॉट यू इट पोल्यूट्स यू इन अ वेरी बैड वे सिर्फ इतना है कि अप, अपनी जहनी और रूहानी सेहत के लिए तहमुल और बर्दाश्त टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर यू रिप्लाई या थैंक यू वेरी काइंडली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड आपसे दोबारा भी बात हो

You are watching EAWAS TV, voice of community.